देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ लीना। राजधानी रायपुर में देर रात एसएसपी के निर्देश पर सरस्वती नगर थाना टीम ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक मकान से 15 आरोपियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है, जिनमें पुलिस ने 1,74,200 रूपये बरामद किए हैं और 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही कल उसी प्रकार राजधानी के गुढ़ियारी थाना इलाके में पुलिस ने देर रात दबिश देकर जुआ खेल रहे 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,00,000 से ज्यादा के नगद जब्त किए हैं। बता दें कि दिवाली त्योहार के चलते जगह जगह पर जुआ खिलाया जा रहा है। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए एएसपी लखन पटले ने बताया कि सरस्वती नगर थाना टीम देर रात छापेमार कार्रवाई करते हुए एक मकान से 15 आरोपियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1,74,200 रूपये बरामद किए गए हैं और गुढ़ियारी पुलिस की टीम ने छापे मारकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,19,220 रूपये नगद जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना सरस्वती नगर एवं थाना गुढ़ियारी अंतर्गत कल 2 जुए की बड़ी कार्रवाई की गई है। सरस्वती नगर अंतर्गत अशोक नथानी और 14 अन्य लोग की सूचना मिली थी कि ये जुआ कहीं खेल रहे हैं, तो वहाँ पर सीएसपी के नेतृत्व में टीम रवाना की गई और सीएसपी आज़ाद चौक के द्वारा घेराबंदी किया गया और 1,75,000 के आसपास की रकम जब्त की गई है। 52 तहसील गड्डी जब्त की गई है, उसमें जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गुढ़ियारी थाने क्षेत्र में भी सीएसपी उरला के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 1,20,000 के आसपास की रकम और 14 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।